सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो एक 1K सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हो जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हम कम्युनिटी जो टैब होती है उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। सो गाइस, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके के कॉन्टेंट मिलते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि और आपको समझाएंगे कि क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कम्युनिटी टैब को ओपन करने के लिए दोस्तों आपके चैनल पर जो है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप कम्युनिटी टैब को इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपकी अपने YouTube चैनल पर आ जाना है दोस्तों, और सिंपली से यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देखिए आप लोगों का एक ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद देख दोस्तों आपको जाना है हेल्प एंड फीडबैक पर। जब आप यहाँ पर चले जाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेंड फीडबैक का एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। उसके पहले काम आपको ये करना है दोस्तों कि आपको सिंपली से अपने चैनल का जो URL होता है उसको सिंपली से यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे दोस्तों। तो हमको यहाँ पर कॉपी कर लेना दोस्तों, उसके बाद यहीं पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और हेल्प एंड फीडबैक पर चले जाएंगे दोस्तों, और सेंड फीडबैक पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो चैनल का URL उसको सिंपली से यहाँ पर कॉपी कर देंगे दोस्तों, और उसके बाद सिंपली से हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं दोस्तों। और आपको एक काम और करना है दोस्तों, वो हम बता दे रहे हैं आपको यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों। सो गाइस, आपको यहाँ पर ये जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आपको सिंपली से अब यहाँ पर यही लिख लेना है दोस्तों। इसका लिंक दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप सिंपली से कॉपी कर सकते हैं, या वहाँ पर इसको देख आप लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर चैनल नेम लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देंगे दोस्तों, और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है चैनल लिंक का दोस्तों। तो आप सिंपली से अपने चैनल का लिंक डाल दे दोस्तों, और यहाँ पर सेंड फीडबैक पर क्लिक कर देंगे दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों आपका जो कम्युनिटी टैब है बहुत 2-3 दिन में इनेबल हो जाएगी दोस्तों। आप ये काम जब ही करें जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं दोस्तों। अगर आपके 2-3 दिन में इनेबल नहीं होती है दोस्तों, तो आप सिंपली से दोबारा से यहाँ से ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। 100% आपका जो कम्युनिटी टैब है वो इनेबल हो जाएगी दोस्तों। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों। सो गाइस, अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कम्युनिटी जो टैब होती है उसको हम कैसे इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके जो कम्युनिटी टैब होती है उसको इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों। और भाई, आप वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों।